हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SSK एजुकेशन। तो आज हम क्लास 5 की मैथ्स का एक और चैप्टर लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है हाउ मैनी स्क्वायर्स, और इसके अंदर आपको स्क्वायर सेंटीमीटर्स के बारे में एक बेसिक आइडिया दिया हुआ है और कुछ उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ओके, यहाँ मैंने एक वर्ड बोला स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है? तो ये क्या होता है, इसको देखो कैसे लिखा जाता है। सेंटीमीटर को हम जानते हैं सी और फिर आगे एम लिखते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर्स हो जाता है इसकी पावर 2। किसी भी चीज़ की पावर 2 का क्या मतलब होता है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। जैसे मान लो अगर मैंने लिखा 2 का स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू 2। इसी तरीके से सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। इससे इसका क्या मतलब हो सकता है, देखो कि जो दोनों आपकी जो हैं साइड्स, वो दोनों ही सेंटीमीटर में, और दोनों को सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई किया गया है। अब देखो, हम ये बात जानते हैं कि कभी दो साइड होती हैं उनको, जैसे मान लो कोई भी मैंने फिगर बनाया है, ये फिगर बना लिया मैंने, इसमें दो साइड्स दी हुई हैं हमें, एक ये और ये, मान लो ये दो अलग अलग साइड्स है ना। तो ये दोनों साइड्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा उसका एरिया। ये वैसे तो यानी कि ये एक एरिया की यूनिट है। एरिया जो होता है उसकी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, या इस सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ऐसे होती है। ओके, और यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर्स का मतलब होता है कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यानी कि जो लेंथ है वो और जो विड्थ है दोनों ही सेंटीमीटर्स में दी हुई है, ठीक है? तो ये तो बेसिक आइडिया था आपके लिए स्क्वायर सेंटीमीटर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं ग्राफ पेपर के बारे में। तो यहाँ देखो, मैं एक ग्राफ नोटबुक लेके आई हूँ, और इसमें देखो मेरे पास में है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पे। ओके, दिख रहा है आपको? वेट, नहीं क्लियर नहीं है। अब हुआ थोड़ा बहुत क्लियर? हाँ, अब देखो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो डार्क वाली एजेस हैं, ये वाली है ना, तो ये डार्क एजेस देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर का है, यहाँ से यहाँ तक भी ये 1 सेंटीमीटर का है। तो इसमें हर एक ये जो बन रहा है, अब देखो ये भी 1 सेंटीमीटर ही, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। अब ये सारी 1 1 सेंटीमीटर की हैं, तो इसका एरिया कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के आपको स्क्वायर्स दिए हुए होंगे, और उसके बाद में उसमें कोई शेप बना देंगे और आपसे पूछेंगे कि वो शेप कितना एरिया कवर कर रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर्स के अंदर। तो 1 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपको करना क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने होते हैं, और फिर आप बता सकते हो कि कितने सेंटीमीटर स्क्वायर का आपका फिगर है, ठीक है? इस एक्सरसाइज में आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको करने होंगे, ठीक है? ओके, तो मैंने आपको अभी ग्राफ पेपर दिखाया था, उस तरीके का मैंने कुछ बनाने की यहाँ पे कोशिश की है। ये जो यहाँ 1 यूनिट है ना, ये देखो ये इसकी 1 यूनिट है, और इस 1 यूनिट को आप ऐसे मान लो कि ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने एक बनाया है। तो अब हम इसके अंदर फिगर्स बनाएंगे और चेक करेंगे कि क्या कितना स्क्वायर एरिया इसके अंदर आ रहा है। चलो मैं एक बनाती हूँ पहले। तो अब देखो मैंने यहाँ पे फिगर्स बनाए हैं, और इन फिगर्स में देखो हम पहले इस वाले फिगर के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें देखो कितने स्क्वायर्स आ सकते हैं, देखते हैं। ये 1 स्क्वायर है यहाँ पे, और ये 2nd स्क्वायर है, ठीक है? तो अंदर देखो कितना स्क्वायर रीजन आ रहा है, मैं आपको कलर करके दिखाती हूँ। इस वाले स्क्वायर का भी हाफ रीजन आ रहा है,
और इसका भी हाफ आ रहा है, तो हाफ प्लस हाफ कितना हो गया 1, तो इसका एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस वाले में देखो इसके अंदर कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं, देखो ये आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तो पूरे पूरे आ गए। अब यहाँ देखो ये वाला और ये वाला हाफ है, इसको एक मान लेते हैं, इन दोनों को प्लस करने पे नहीं, ये तो देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ हो रहा है, और ये सॉरी ये 1/4 हो रहा है और ये 3/4 हो रहा है, तो ये 8 हो जाएगा। ओके, इन दोनों को मिला के 8 बोल रही हूँ मैं। ओके, यहाँ देखो ये दोनों हाफ हाफ है, एग्जैक्ट हाफ है देखो, तो ये बन रहा है, ये भी पूरा एक बन रहा है, तो ये दोनों मिला के हो जाएंगे, ये हो गया 9th। तो देखो कितने सेंटीमीटर स्क्वायर का इसका एरिया आ रहा है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम और फिगर्स बनाते हैं और उनके बारे में देखते हैं। हाँ, तो अब देखिए मैंने यहाँ पे 3 और फिगर्स बनाए हैं। यहाँ पे देखो बात क्या है कि हमारे हमेशा ज्योमेट्रिकल फिगर्स ही नहीं, रेंडमली कोई फिगर भी आ सकती है। तो देखो पहले हम इस ज्योमेट्रिकल फिगर की हम बात कर रहे थे, ये कौन सी थी, रोम्बोहेड्रल। हाँ, तो हमारी जो फर्स्ट फिगर है ये है रोम्बस, एंड जो रोम्बस है इसमें देखो कितना एरिया कवर हो रहा है, ये दोनों मिला के हो रहे हैं 1। ओके, ये दोनों मिला के हो रहा है 2, ये 3 और ये 4, तो इसका क्या आया देखो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, इसमें देखो 1, 2, 3, 4 इन दोनों मिला के 5, ये दोनों मिला के 6, तो इसका आ रहा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें देखो पहले पूरे पूरे जो स्क्वायर्स हैं उनको काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी पूरा है 7, 8, 9, 9 तो ये हो गए है ना, 9 के बाद में ये एरिया और इसको मिला के हो जाता है ये पूरा मिला के 10 हो गए। ये जो एरिया है ऑलमोस्ट देखो पहले ये वाला देख लो, इसमें ऑलमोस्ट ये पूरा हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको पूरा 1 ही मान लेती हूँ, 11। फिर इसको मिला के अगर हम मान लें तो ये पूरा मिला के 12 हो रहा है, ये पूरा मिला के 12 लेते हैं, और ये हो गया 13, तो टोटल 13 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे एरिया कवर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और आपको ये करने होंगे। ओके, तो इतना ही है आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।